पच्छाद उपचुनाव में प्रचार पर जाने से पहले सिरमौर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर जमकर हमले किए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उपचुनाव के बीच भाजपा में गृह युद्ध चल रहा है। उन्होंने कई बातों को लेकर सरकार पर भी सवाल खड़े किए। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उपचुनाव के बीच हिमाचल भाजपा में खूब जंग चल रही है और पार्टी के बीच गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पत्र बम का भी हवाला दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के ही दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उम्मीदवार का नाम वापस लेने के लिए कई तरह के प्रलोभन दिए और ऊंचे ऊंचे पद पर बिठाने की बात कही, बावजूद इसके भाजपा के उम्मीदवार ही आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस ने एक सशक्त उम्मीदवार को बिखरी हुई बीजेपी के आगे मैदान में खड़ा किया है, जो कई बार यहां से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग रहने वाला है और परिणाम भी अलग होंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सहित सिरमौर जिला के लोगों के साथ राष्ट्रीय उच्च मार्ग के नाम पर भाजपा ने छलावा किया है, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गिरिपार क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने के नाम पर भी लोगों को ठगा गया है। भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ जनजातीय क्षेत्र के दर्जे को लेकर झूठी घोषणाएं की हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा अध्यक्ष और नाहन के विधायक राजीव बिंदल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राजीव बिंदल एक गरिमामयी पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें चुनाव में दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिंदल चुनावी गतिविधियों में सक्रियता दिखा रहे हैं, जो उनके लिए ठीक नहीं है। उन्होंने बिंदल को चुनाव से दूर रहने की सलाह दी। पच्छाद उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही एक्सपीरियंस्ड राजनेता को चुनावी दंगल में उतारा है, जिनका सिर्फ राजनीतिक अनुभव ही नहीं है, 7 दफ़ा उन्होंने चुनाव यहाँ से जीता है, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और उनके सामने एक बिखरी हुई भाजपा जो है इस दफ़ा मैदान में है, जिसको कहते हैं इस दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो किसी को कुछ लोगों को मनाया है, कुछ लोगों को प्रलोभन दिए हैं कि तुम्हें कुर्सी दी जाएगी, सार्वजनिक तौर पर अखबारों में कहा है कि जो बैठ जाएंगे उनको कुर्सियाँ दी जाएंगी, तो इस ढंग से भाजपा ने बहुत मशक्क़त की लेकिन उनकी बात बनी नहीं और चुनाव में एक बिखरी हुई भाजपा है, दूसरी तरफ एक सशक्त कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जिनका कि यहाँ के पच्छाद के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से इतिहास का एक लंबी दास्तां जो है इस चुनावी हलके में लिखी है। अब भाजपा में कौन किसके इशारे पर लड़ रहा है, हम इस राजनीति में नहीं जाना चाहते। ये तो सारे हिमाचल को पता है कि भाजपा में गृह युद्ध छिड़ चुका है और वो इन चुनावों में वो उसकी जो है साया साफ तौर पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। कहीं पत्थर बम फट रहे हैं, कहीं पे कैंडिडेट्स को लेके दावे किए जा रहे हैं, तो इसलिए भाजपा 2 साल इनको शासन में हो गए, ये कुछ भी हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कुछ भी कंक्रीट नहीं कर पाए हैं और अब इनकी झोली खाली है, इनकी आंसर शीट जो है उस पे जो है बिल्कुल कोरी है, तो इसलिए अब चुनाव में उतरे हैं तो दिक्कतें तो आएंगी। अब ये चुनाव लोकसभा के चुनावों की तर्ज पे नहीं होगा, लोकसभा के चुनाव में तो इन्होंने राष्ट्रपति बना ली और उस पे अब ये चुनाव जो हैं लोकल मुद्दों पे लड़े जाएंगे कि आपने नाहन के विकास के लिए क्या किया, सिरमौर जिला के विकास के लिए क्या किया, पच्छाद के विकास के लिए क्या किया। अब आप देख रहे हैं अभी सांसद बने जुमे 4 रोज हुए हैं, लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो और इसका मतलब सरकार से लोगों का मोह भंग हो रहा है और मुद्दे जो हैं खास तौर पे जैसे नेशनल हाईवे का मुद्दा, अब ये कह रहे हैं कि हम नेशनल हाईवे बनाएंगे, आप नेशनल हाईवे कहाँ से बना देंगे, आपने बहुत बड़ा झांसा बहुत बड़ा फरेब हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ किया है। पिछले इलेक्शन में आपने कहा 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाएंगे, 69 नेशनल हाईवे बनेंगे जिसमें पच्छाद के नेशनल हाईवे भी हैं, अब जो है उसमें कहा था कि जमीन एक्वायर करने के लिए आप 4 गुना
मुआवजा देंगे। अब पहले ये कह दिया कि हम जो है चार गुना मुआवजा देने की स्थिति में नहीं है, बहुत महंगा हो जाएगा ज़मीन खरीदना। अब केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि नेशनल हाईवे हम बनाएंगे नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ तौर पर कह दिया कि नेशनल हाईवे नहीं बनेंगे, तो हम मुख्यमंत्री जयराम जी से कहेंगे जब वो यहाँ पर पछाड़ में आए तो वो जो है माफ़ी मांगे इसका बात के लिए कि हमने झूठ बोला था, हमने फ्रेब किया हिमाचल की जनता के साथ, हम कोई नेशनल हाईवे नहीं बनाने वाले हैं, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कोई मैन पावर है इसके लिए। मुकेश अग्निहोत्री ने पछाड़ और धर्मशाला दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा तो किया है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि कौन इन दोनों सीटों पर काबिज हो पाता है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।